सुल्तान से बदनीति से कब्जा करने की कोशिश करते हुए इस्लाम धर्म को बहुत आगे बढ़ाने का कार्य किया। उस समय जैसे कि भारतवर्ष पे हमेशा कृपा रही है, जब भी इस पे कोई विपदा आई है तो ऊपर वाले ने अगर कहीं दूत भेजे हैं अपने नाम के तो वो यही है, क्योंकि अगर राम को भेजा है तो कृष्ण को भेजा है, और जितने भी संत हुए हैं वो इस भारत की भूमि पे ही हुए हैं। और गुरु नानक देव जी को उस समय भेजा था जब मनुष्य अपना कर्तव्य भूल गया था कि अपने से जो नीचे हैं, अपने से जो गरीब तबका है उसके प्रति जो उसका कर्तव्य था, जो राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य था उसको भूल के वो सबको सताने लगा था, चाहे वो स्त्री वर्ग हो, चाहे वो निर्लज वर्ग हो या छोटी जात का हो, किसी तरीके का उन सबको सुधारने के लिए जब इसमें धर्म को धर्म में बदला जा रहा था उसको सुधारने के लिए ईश्वर ने दूत भेजा था, तो आज से 550 साल पहले गुरु नानक देव जी को अपने दूत के रूप में भेजा था, जिसको कहते हैं जाहर पीर जगतपुर बाबा। जाहर पीर मुस्लिम का भी वो पीर था और जगत गुरु, हम सबका जगत गुरु को उसको संज्ञा दी है, और बाबा जो हिंदू भी अगर किसी को सम्मान से संत या रूप के रूप में कहते हैं तो उसको बाबा के नाम में पुकारते हैं। इसके लिए जो उनकी कीर्तन थी उनका एक ही था, कर्तव्य की नाम जपो कीर्त करो वंश को हर का संगन, भगवान का नाम आपको जपना है और कर्म करना है, ये नहीं कि गृहस्थ में रह के भी आपको नाम जपना है। जरूरी नहीं है कि खाली आप नाम जप रहे हैं तो आपने गृहस्थी छोड़ दी, आपने दूसरे कर्म छोड़ दिए, नहीं, नाम के साथ आपका कीर्त है, अच्छे काम करो, अच्छे लोगों का साथ दो, गरीब लोगों की मदद करो, बेसहारा के मददगार बनो ना, और बन छको जो ईश्वर ने आपको दिया है उसको कोशिश करो, अगर किसी को उसकी जरूरत है तो उसको बांटो, अगर किसी के पास नाम की पूंजी है तो नाम बांटे, किसी के पास काम की पूंजी है तो लोगों को मजदूरी कराए वो कराए और मिल बांट के खाए, ये प्राणन जी के सिद्धांत है जिसको बड़े विस्तार पूर्वक अभी हमारे भाई रविंदर सिंह जी आपको समझाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा।